हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली के परांठे। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए ये मूली के परांठे पसंद आएंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मूली के परांठे बनाना। मूली के परांठे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मूली ली है, जिसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें मिला देंगे नमक। यहाँ पे मैं आधी चम्मच के करीब इसमें नमक मिला रही हूँ। अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ मैंने नमक अच्छे से मिला लिया है। अब इसको 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें ताकि मूली अपना सारा पानी छोड़ दे, और फिर हम इसको अलग निकाल देंगे पानी को। जब तक हमारा मूली पानी छोड़ रहा है, तब तक हम आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे आटा ले लिया है, उसमें डालेंगे नमक आधी चम्मच के करीब, लाल मिर्च पाउडर भी अपने अनुसार डालें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और अजवाइन। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। ये लीजिए, सभी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, हमारे आटे के डो बन के एकदम तैयार है। और यहाँ देखिए, मूली ने भी काफ़ी अच्छे से पानी छोड़ दिया है। तो चलिए इसका पानी अलग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे हाथों की सहायता से कर रही हूँ, कुछ इस तरह लेके हम इसको ऐसे करके इसका सारा पानी निकाल लेंगे। लीजिए, यहाँ पे मैंने मूली से पानी निकाल दिया है और इतना पानी निकला है। और इस पानी को हम आटे गूंदने में भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन मैंने आटा पहले ही गूंद के तैयार कर लिया है, तो मैं इस पानी को साइड कर रही हूँ। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, इसको मैंने अच्छे से चारों तरफ फैला दिया है। अब तेल को गर्म होने दें। और मैंने यहाँ पे मूली पे 2 बारीक करके हरी मिर्च काट दी है। अब तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। यहाँ मैंने आधी चम्मच के करीब जीरा लिया है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन भी डाल रही हूँ। वैसे हमने अजवाइन आटे को जीतते हुए भी इसमें डाला है, तो ये ऑप्शन है, आप यहाँ पे अजवाइन डालें या ना डालें। फ्लेम लो रखें अभी। अब हम इसमें डाल देंगे मूली और हरी मिर्च, अच्छे से मिला देंगे। अब मिलाएंगे इसमें थोड़े थोड़े मसाले। मैंने थोड़ा सा नमक यूज़ करी, क्योंकि मैंने यहाँ पर नमक पहले भी डालना था, क्योंकि मैंने पानी के साथ निकाल दिया है और आटे में भी नमक डाला था। थोड़ी सी लाल मिर्च, हरी मिर्च भी यूज़ किया हमने यहाँ पे, और आटे में भी लाल मिर्च डाली है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी यहाँ पर यूज़ कर दें, थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा ना डालें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद गैस को बंद कर लें। मैंने गैस बंद कर दिया अब यहाँ पे। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने ये परांठों के लिए जो स्टफिंग बनाई है, इसको ठंडा होने देंगे। तो ये लीजिए, अब हमारी स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो गई है। तो चलिए अब परांठे बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम आटे में से 2 इक्वल साइज की लोइयां निकालेंगे और इन्हें अच्छे से गोल कर लेंगे। लीजिए, मैंने दोनों लोइयों को अच्छे से गोल कर लिया है। अब इन्हें साइड कर देंगे, एक लोई को आटे से अच्छे से कवर कर लेंगे और अब इसको बेलन की सहायता से बड़ा कर लेंगे। ये लीजिए, हमने इसको अच्छे से बेल लिया है। अब इसको साइड कर लेंगे और इसी तरह दूसरी वाली लोई को भी ऐसे ही बेल लेंगे। ये लीजिए, हमने इसको भी बेल लिया है। यहाँ पे अब हमारी दोनों रोटियाँ एकदम बिलकर अच्छे से तैयार हो गई है। पहली वाली को साइड कर देंगे और इसमें अब हम अपनी स्टफिंग फिल करेंगे। इसको अच्छे से फैला देंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी भर सकते हैं, मैं यहाँ पे हाथ से कर रही हूँ। अच्छे से फैला लेंगे। आप यहाँ पे स्टफिंग अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भर सकते हैं। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे स्टफिंग अच्छे से भर दिया। और देखिए, मैंने इसको साइड साइड में खाली छोड़ा है, क्योंकि अब हम इसके ऊपर दूसरी वाली रखेंगे जो हमने बेल के रखी है। इसे रख लेंगे साइड से, अच्छे से ऐसे कर लेंगे ताकि दोनों रोटियां आपस में अच्छे से बंद हो जाए और स्टफिंग बाहर ना आए। हमने तवा गर्म करने रख दिया, अभी गर्म हो गया है ऑलमोस्ट। तवे में थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ, आप घी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आज रिफाइंड ऑयल से परांठे बना रही हूँ, आप चाहें तो घी से या बटर से बनाए। अब इसमें परांठा डाल देंगे। अब हम इसको ऐसे तब तक रखेंगे जब तक नीचे से गोल्डन ब्राउन ना आ जाए, हल्के हल्के इसमें गोल्डन ब्राउन से चिपके ना आ जाए। तो चलिए अब इसको पलट लेते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छा हो गया नीचे से। अब हम इसमें तेल लगा लेंगे।
जैसे मैं बता चुकी हूँ, आप घी या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से तेल लगा लें। तो चलिए अब इसको पलट लेते हैं। ये देखिए नीचे से भी इसमें ब्राउन कलर के हल्के हल्के से निशान आ गए हैं। अब यहाँ से भी तेल लगा लेंगे। धीरे धीरे दोनों तरफ से अच्छे से तेल लग गया। अब इसको दोबारा पलट लेंगे। ये देखिए अब इसे साइड साइड में प्रेस करना ताकि कहीं से भी कच्चा ना रहे, और इसको अच्छे से लो फ्लेम में पकने दें। इससे अंदर तक अच्छे से पक जाता है, क्योंकि डबल लेयर में है तो ये कच्चा ना रहे, इसलिए इसको कम आँच में ही बनाएं। ये ज़्यादा अच्छा बनता है और ज़्यादा टेस्टी भी होता है। बीच बीच में आप मीडियम फ्लेम भी कर सकते हैं, पर हाई ना करें वरना ये जल सकता है पराठा। तो चलिए इसको एक बार और पलट लेते हैं। ये देखिए नीचे से काफ़ी अच्छे से पक गया है। एक बार और कर लेते हैं, फिर हमारा पराठा बनके तैयार हो जाएगा। ये लीजिए हमारा पराठा बनकर एकदम तैयार है। तो इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह हम अपने बाकी के पराठे बनाकर भी तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म मूली के पराठे बनकर एकदम तैयार हैं। आशा करते हैं आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए मूली के पराठे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।